हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब मजे में होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनके बजट में यू नो फाउंडेशन कंसीलर हो। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ, उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप दोनों प्रोडक्ट को किस तरह यूज कर सकते हो और अपना फ्लॉलेस बेस बना सकते हो जो कि सिर्फ 200 रुपीज का होगा। सही सुना आपने, सिर्फ 200 रुपीज में। तो गाइज, आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे ये देखने के लिए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ ओलिविया पैनस्टिक एंड पैनकेक के बारे में, दिस टू प्रोडक्ट ओवर हियर। सो गाइज, ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ऑसम है। मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं आज आपको डेमो करके बताऊंगी कि कैसे करना है। तो ये जो वीडियो होगा ये काइंड ऑफ चिट चैट वीडियो होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने आईज मेकअप और बाकी सब कर लिया है। सिर्फ बेस करना है आपके सामने, आपको बताना है कि कैसे करना है आपको अपना बेस सिर्फ 200 रुपीज में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना कंसीलर यूज करना है। तो कंसीलर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे ओलिविया पैनस्टिक ले रही हूँ और इसे एज अ कंसीलर यूज करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कवरेज देता है आपको। तो इस तरह ये ऊपर आ जाता है। तो करना क्या है, सिर्फ अपने अंडर आईज पे लगाना है इसे अच्छे से। अगर आपको डार्क सर्कल ज्यादा है तो आप अच्छे से लगा सकते हो, इसे ज्यादा करके भी लगा सकते हो, बहुत नेचुरल लुक देता है ये। हालांकि ये मेरा जो शेड है ये इटसेल्फ नेचुरल है। अगर आप डार्क हो तो, अगर आप इवन सांवले हो तो सब शेड्स अवेलेबल है इसमें। तो आप यू नो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करके, अगर आप जाओगे लोकल मार्केट में तो वहाँ पे आप चेक करके ले सकते हो कि कौन सा आपका शेड है। अब ये जो कंसीलर है इसका बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ये आप अपने हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। थोड़ा सा ऑयली बेस में आता है ये, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है ये। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये कितना इजीली ब्लेंड हो जाता है। और नहीं तो आप अपना ब्रश भी यूज कर सकते हो। अच्छा एक फ्रेग्रेंस है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत स्वीट सा यू नो एक फ्रेग्रेंस है, काफी अच्छा लगता है मुझे ये फ्रेग्रेंस। ये सिर्फ 100 रुपीज का आता है फ्रेंड्स, आप अपने लोकल मार्केट पे इसे चेक कर सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इसमें बहुत सारे शेड्स आता है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर मत करना, आप जाकर खुद चेक करके लेना, वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने अपना डार्क सर्कल्स हाइड कर लिया है, ठीक है, और अपना टी जोन को हाईलाइट कर लिया अच्छे से, ठीक है। तो अपने फेस पे जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको डिसकलरेशन है तो आप हाइड कर सकते हो, या आपको डार्क सर्कल्स है तो आप अच्छे से हाइड कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और पैनकेक यूज करते हैं। तो पैनकेक के लिए मैं आपको बेस्ट आइडिया बताती हूँ, इसके साथ में स्पंज आता है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इसमें एक प्लेट आता है इस तरह, तो आपको क्या करना है कि आपको इस प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लेना है, ठीक है। अब ये पानी लिया आपने, आपको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से। आपके पास अगर ऐसा ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये स्पंज आपको बहुत यूज आएगा। तो मैं ज़्यादा करके ये ब्रश यूज़ करती हूँ। तो ब्रश को वेट कर लिया मैंने यहाँ पे, और इसको इस तरह यूज़ करना है, डायरेक्ट इसमें पैनकेक में ब्रश को अच्छे से ले लेना है इस तरह, और मींस थोड़ा थोड़ा वेट करते हुए इसको लेना है। अगर आपको ऐसा फ्लॉलेस और नेचुरल लुक चाहिए तो बहुत ज़्यादा केकी नहीं होना चाहिए, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है और वेट करके इमिडिएटली लगाना स्टार्ट करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत डार्क शेड है, मेरे स्किन टोन को मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सूखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसे आप पेंटिंग करते हो उस तरह पेंट करना है आपको अपने फेस को, और ये बहुत जल्दी सूख जाता है इसलिए थोड़ा सा फास्ट होना है आपको। ये बहुत अच्छा कवरेज देता है, जैसे कि आपको एक एक्सपेंसिव फाउंडेशन देगा उस टाइप का कवरेज आपको देगा ये, और अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब नवरात्रि चल रहा है तो मैंने एक दो बार ये यूज़ किया है और देखा है, लाइक टेस्ट करके भी देखा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये आपको
अगर आप डांस वांस नहीं कर रहे हो और ऐसे ही आपको रेडी होना है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको टचअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डांस कर रहे हो कहीं पे तो ऑब्वियसली आपको पसीना आएगा, तो ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा। फिर अब देखा आपने मैंने किस तरह पेंट कर लिया इसे, अपना स्पंज को वेट करके लेना है इस तरह और टैप करते हुए अपने फेस पे इस तरह लगाना है। और आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि इसे डाउनवर्ड्स ही लगाना है, अपवर्ड्स नहीं, और अपने नेक पे अच्छे से कवर कर लेना है। पैनकेक का जो मेरा शेड है ये है 23, तो अगर आप मेरे शेड के हो तो आप डेफिनेटली 23 नंबर ट्राई कर सकते हो, और अगर आप फेयर हो तो आपके लिए भी ऑप्शंस है। अगर आप डार्क शेड के हो, अगर आप सांवले हो, तो भी कलर्स अवेलेबल है। एग्जैक्टली मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली सर्च करके बता दूंगी कि आपके शेड का कौन सा होगा। तो बस इसे अभी रुकने देना है थोड़ा सा, मतलब बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है ये। आपको दिख रहा होगा कि कितने अच्छे से मेरा बेस हो चुका है यहाँ पे। अब ये जैसे ड्राई हो जाएगा आपको इसे सेट करना है। सेटिंग के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल कोई भी एक पाउडर लेना है। मैंने यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट पाउडर लिया हुआ है लैक्मे का, और इसे सेट करना है ना कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करोगे, जो कि पूरा डे लास्ट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेटिंग। देखा आपने कैसे कितने इजीली मैंने अपना बेस कर लिया इतने जल्दी। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है और आपको जल्दी जल्दी रेडी होना है तो ये बहुत बेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रोरिंग के लिए सिवाना कलर्स लिया है और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रोर कर लूंगी। बहुत लाइट हैंड से आपको कॉन्ट्रोरिंग करना है, क्योंकि वो कलर अपने आप आ जाएगा, आपको यू नो रब नहीं करना है लिटरली। बस अभी आपको जहाँ पे भी जैसे कंट्रोल करना है आप कर सकते हो, अपने जॉ लाइन को या अपने नोज को, ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी किसी का नोज ऑलरेडी बहुत शार्प होता है तो उनको एज सच ज़रूरत नहीं होता है कंट्रोलिंग का। मेरे नोज को मैं करती हूँ क्योंकि मुझे शार्पर नोज बहुत पसंद है। दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मेरा बेस कितना प्यारा लग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर ले रही हूँ, तो ये हाइलाइटर से आपका जो मेकअप है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, कोई भी फेस्टिवल मेकअप में आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपके घर पे कोई फेस्टिवल जैसे कोई ओकेशन है, पूजा है या गेट टूगेदर है, आप ये मेकअप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा, बहुत टाइम आपका सेव हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे ये मेकअप हो गया, देखिए कितना जल्दी मैंने ये मेकअप कर लिया, कितना इजी है ये बेस करना। देखा आपने कितना इजी है, और सिर्फ 200 रुपए में। ये मेकअप ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ बहुत ज्यादा हैवी फाउंडेशन या कंसीलर यूज किया है। आपको दिख रहा होगा ज्यादातर मेरे सारे मार्क्स हाइड हो गए, ज्यादातर करके मुझे मार्क्स है नहीं, लेकिन डार्क सर्कल सब कुछ एकदम से वैनिश हो गया, और कितना अच्छा लुक लग रहा है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंसीलर ऐसा है जो इससे भी सस्ता हो और सेम टाइम इससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा। वैसे भी मैंने सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है, मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।